तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि गाइस फ्लिपकार्ट में आप फोन्स कैसे ऐड कर सकते हैं अलग से। तो दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है कि मेरे को कमेंट आ रहा है कि वो जो है फ्लिपकार्ट जो प्रीमियम में अपडेट करने को बोल रहा है और गाइज उसमें फोन्स ऐड नहीं हो रहा है, ऐसे मुझे लोग कमेंट कर रहे। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप फ्लिपकार्ट मतलब कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और गाइज उसमें फोन्स दोबारा से ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइज वीडियो पर बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। और गाइज मैं आपको बताऊँगा आप वहाँ से फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पेड होते हैं, जबकि प्रीमियम में अपडेट करने को बोलते हैं, तो गाइस वहां से आप फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फ़ोन की स्क्रीन पे आ गया। आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है एसी मार्केट। गाइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। गाइस जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो ऐसे एप्लीकेशन हमको मिलते हैं जो पेड होती है गाइस, वो फ्री में यहाँ पर हमें मिल जाती है। और दोस्तों, हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन जो है वो सर्च कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो गाइस जैसे आप कर देंगे तो ये इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखें इंस्टॉल का ऑप्शन लिखा हुआ है। गाइस मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा, तो इंस्टॉल लिखा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड वाला आइकन पे क्लिक करके। तो दोस्तों, मैंने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है। गाइस ये देखें यहाँ पे मोड एप्लीकेशन, यानी ये फ्री आपको मिलेगा अनलॉक, इसमें कोई भी आपको प्रीमियम वगैरह कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्री एप्लीकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस पर काफ़ी सारे आपने को फ्री एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जैसे काइन मास्टर होगा जो कि वाटरमार्क आता है, आपको पता है अगर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आपका कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ अनलॉक आएगा, सारा कुछ इसमें आपको अनलॉक मिलेगा, आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ्लिपकार्ट में फोन्स कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों, आपको फ्लिपकार्ट डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, देखिए। और गाइज यहाँ पे आपको क्या करना, फोन डाउनलोड करना है, तो हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे हम ओपन कर लेंगे क्रोम ब्राउजर, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे फोन्स स्पेस ये वाला वेबसाइट सर्च कर देना है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइज आप वैसे ही कर लेंगे, सर्च जैसे कर देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ये वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे गाइज, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे फोन्स हमें मिल रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको मन करे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सिंपल यहाँ पे आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम आती है वो सारे सॉल्व होने वाली है। तो मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड के आइकन पे क्लिक कर दिया। तो गाइज ये जो हमारा फोन है ऊपर देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जीप फाइल में जो है हमारा फाइल डाउनलोड हो रहा है, 973 KB का फाइल है। गाइस ज़्यादा MB का नहीं होता, KB का ही फाइल होता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो गाइस ये डाउनलोड हो चुका है आपके सामने, आपको क्या करना है देखिए मैं चलिए बताता हूँ आपको। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे होम चले जाना है, यहाँ पे हमको फाइल मैनेजर अपना ओपन करना है। तो दोस्तों, मैंने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया। आप गाइस हमने जो वो फाइल डाउनलोड करा था वो किस में, डाउनलोड वाले फोल्डर में गया होगा, तो यहाँ मैं फ़ोन स्टोरेज पर क्लिक करके डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाता हूँ। डाउनलोड वाले फोल्डर में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमारा फोन देखिए डाउनलोड वाले फोल्डर में यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वाला फाइल था 973 KB का था, तो गाइस ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें गाइस इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें इसे सिंपली क्लिक कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, देखिए। तो गाइस ये फाइल ओपन करके हमें यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट आर लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो गाइस ये हमारा फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है आपके सामने, बैक कर देता हूँ। तो गाइस ये देखिए थर्ड नंबर पे हमारा जो फाइल एक्सट्रैक्ट होके स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये वाला। तो गाइस ये हमारा फोन्स का फाइल रेडी होगा। अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें कट कर लेना है ऐसे, देखिए जैसे मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको उस फोल्डर में मूव करना, मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ मूव वाले पे क्लिक करके इंटरनल स्टोरेज में सिलेक्ट कर लेना है। गाइस यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा फ्लिपकार्ट के नाम से एप्लीकेशन, ये देखिए वो फाइल, तो यहाँ पे हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, गाइस यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा फोन्स के नाम से, हमें इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइस हमें इस फाइल को यहाँ पे मूव कर देना है, मूव हेयर कर देना है। गाइस वो मूव हो चुका है, मैं यहाँ पे व्यू करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोन जो है मूव हो चुका है, मैंने एक और फोन ऐड करता तो वो भी था। अब गाइस हमें क्या करना है, अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। तो दोस्तों, जैसे हम इसे ओपन कर लेंगे यहाँ पे देखिए, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेके आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमने फ़ोन अभी ऐड करा है। तो यहाँ पे मैं खाली बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे खाली बैकग्राउंड को यहाँ पे चुन लिया है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐसे लिख देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हेलो फ्रेंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मैं टाइप कर देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे ये लिख देना है। देखिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। तो यार दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब गाइस हमें इस आइकन पे क्लिक करना, वहाँ जाने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए फ्रंट में हमें एक ऑप्शन दिखेगा माई फोन्स के नाम से, आप देख सकते हैं फ्रंट में दिख रहा है नीचे साइड जहाँ पे होम बटन होता है।
तो गाइज हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए गाइज, एक मैंने फ़ोन जहाँ पे पहले से ऐड करा था, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें जो हमें फ़ोन्स पहले से मिलता है पिकार्ड में, देखिए कितना अच्छा नहीं लगता हमें, हमें अच्छा भी नहीं लगता है ना, हम अलग से भी ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो गाइस हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करने के लिए ऊपर देखिए कोने पे राइट साइड में ऐड फोन्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। और गाइस यहाँ पे ऐड फोन्स का ऑप्शन दोबारा देखेगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। आप गाइस जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे आपका फाइन मैनेजर खुल जाएगा। खुल जाने के बाद गाइस हमें वही फोल्डर में वापस जाना है, पिकार्ट वाले में। यहाँ देखिए मैं इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिकार्ट के नाम से जो फोल्डर था हमें उस पर क्लिक करना है। हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे गाइज, हमने वो फोल्डर फोन्स वाले में डाला था, तो गाइज यहाँ पे आएगा, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। और गाइज यहाँ राइट साइड में जो ये वाला फोल्डर आपको दिख रहा है, इसमें हमारा वो फोन्स हैगा, तो हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो फाइल दिखेगा, आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ये देखिए। इस पर जैसे आप सिलेक्ट कर देंगे गाइज, बूम देखिए यहाँ पे हमारा जो फोन्स ऐड हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम थी सारा कुछ सॉल्व हो चुका है, आपके सामने मैंने बता दिया है। गाइज जो भी ये मतलब प्रीमियम मांग रहा था पिकार्ड, वो सारा कुछ कुछ नहीं मांगा, आपके सामने मैंने फोन्स ऐड करके दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब गाइज आप अपना थंबनेल पिक्चर काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करके ऐसे। उम्मीद है गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों काफ़ी मेहनत से हम वीडियोज़ बनाते हैं, तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।